हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अकाउंट्स का थ्योरी लेक्चर। और बेटा, मुझे लगता है आज के लेक्चर की वर्थ कम से कम 12 नंबर है। बाबू, जब आप 1 मार्क क्वेश्चन देखोगे ना, तो 1 मार्क क्वेश्चन, जब हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं इस बार पेपर में, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर या 7 नंबर के प्योरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। बाकी सब प्रैक्टिकल होगा। किसी में आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलवा रहा होगा, किसी में गुडविल की कैलकुलेशन करा रहा होगा, ठीक है ना। बाकी सब प्रैक्टिकल होगा। और जब आप 3, 4 और 6 मार्क के क्वेश्चन देखोगे, वहाँ थ्योरी के क्वेश्चन 2 मिलने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। या तो ऐसा हो सकता है 1 3 नंबर, 1 4 नंबर, या हो सकता है 2 3 नंबर, या हो सकता है 1 3 नंबर और 6 मार्क के क्वेश्चन में बेटा 2 पार्ट किए हों जो 3 3 नंबर के, वहां 1 3 नंबर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 12 नंबर की थ्योरी, ठीक है ना जी। अब बेटा, जो पूरे के पूरे 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे थ्योरी बेस्ड, वो कहाँ से आ सकते हैं बाबू? कुछ टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से वो 6 नंबर हम कवर कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और MCQs के लिए भी बेटा मैंने कुछ तैयारी की है। मुझे लगता है ये थ्योरी लेक्चर 12 नंबर के लिए सफिशेंट होगा, ठीक है ना। आ तो वैसे कुछ भी सकता है, ये मेरा 100% तुक्का है, ज्ञानी बाबा कोई और है, ठीक है जी। चलो करते हैं बेटा इस पे चर्चा स्टार्ट। बाबू, शुरू में मैंने करा क्या है बेटा, मैंने ना थ्योरी को ना 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी बुक है, उसमें सेकेंड चैप्टर बेटा थ्योरी बेस्ड है पूरा। तो पहले बेटा मैंने वो चैप्टर लिखा है, ठीक है, जिसपे हम चर्चा करने जा रहे हैं। कन्फर्म्ड 3 मार्क क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म्ड, ठीक है ना जी। कोई भी टीचर बनाए, ऐसा नहीं हो सकता इस चैप्टर से कुछ ना है, आएगा, ठीक है जी। और 1 3 नंबर का क्वेश्चन, अब वो फंडामेंटल से आ सकता है, वो कैश फ्लो से आ सकता है, वो आ कहीं से भी सकता है, ठीक है ना। वो पार्ट मैंने अलग बनाया, ठीक है जी। बाबू, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर हैं, अगर बेटा आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे लिख लेना सक्सेस मंत्रा। अगर आप ऐप स्टोर यूजर हो तो लिख लेना बेटा माय इंस्टीट्यूट, ठीक है ना जी। माय इंस्टीट्यूट लिखने के बाद, अगर आप ऐप स्टोर यूजर हो, माय इंस्टीट्यूट लिखने के बाद बेटा आपसे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा। उसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन कोड लिखना है INHDO, INHDO, फिर जाकर आप सक्सेस मंत्रा पर पहुंच जाओगे। वहां पर बेटा एक ऑप्शन आएगा बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर, जब आप अपनी पर्सनल डिटेल डाल लोगे, ठीक है ना। मान लो आपका नाम है आकाश, तो ए बना हुआ होगा लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप कॉर्नर में। यहाँ क्लिक करना, स्टडी मैट का ऑप्शन देगा, स्टडी मैट से बेटा ये डाउनलोड होंगे, ये थ्योरी के नोट्स, ठीक है जी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। बाबू, जब हम बुक स्टार्ट करते हैं, बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब मैं पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं बेटा शुरुआत कुछ ऐसे ही करता हूँ, मैं ऐसा ही बोलता हूँ वहाँ पर, बेटा एनालिसिस तो तब करोगे ना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती होगी। मैं वहाँ पर भी यही बोलता था, बेटा बुक का नाम जरूर एनालिसिस है, करना कब आएगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती होगी। तो बेटा पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आती है, बाद में एनालिसिस होता है, ठीक है ना जी। और आपको बता देता हूँ, रेशो और कैश फ्लो आपने पढ़े हैं, वो एनालिसिस के ही टूल है। दो कटवा दिए गए कोर्स है, बड़ा दुख का विषय है ये भी, ठीक है ना, कि मुझे आज फिर वो बताने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि उसके बिना चैप्टर अधूरा है, ठीक है ना जी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो भी एनालिसिस के टूल है। लेकिन आपको बता देता हूँ, जो ये आप एनालिसिस कर रहे हो, वेरी सिंपल टाइप ऑफ एनालिसिस, ठीक है ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फर्म की रिपोर्टिंग करनी होती है और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही एनालाइज करना होता है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट लेवल एनालिसिस करते हैं, और वो नेक्स्ट लेवल बेटा पढ़ाई के साथ साथ ही बढ़ता है। फिलहाल हमने सिंपल एनालिसिस करना है तो करेंगे सिंपल एनालिसिस, कुछ बातें बता देंगे बाबू। जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तो रेशो और कैश फ्लो कुछ एक्सटेंड तक दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल रेशोज से ही लूंगा, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मीनिंग जान लो बाबू, चाहे तो कह लो मैं मीनिंग बता रहा हूँ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या कुछ लोग इसको प्यार से बोलते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस,
ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मीनिंग जान लेते हैं हम बेटा, फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है। मुश्किल नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे बेटा। फाइनेंशियल एनालिसिस है क्या बेटा? ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम करते क्या है बेटा, हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं इंटू ग्रुप्स, और बेटा वेरियस ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और स्ट्रेंथ और वीकनेसेस निकालते हैं। अभी आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ बाबू। इतनी लंबी चौड़ी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी पूरा, वो एलडोल अगर मेरा शॉर्टकट याद हो तो, करंट लाइबिलिटी पूरा है, स्टॉक्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट, लंबी चौड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई। मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ, कंपनी आ गई बेटा मान लो एक चार्टर, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कि सर इस स्टेटमेंट को एनालाइज कर दो, आपको क्या क्या समझ में आ रहा है इससे। तो सर क्या करता होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट? नकाश पोज करियो भाई बाबू। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या होगा बाबू? सबसे पहले वो करेगा बेटा क्लासीफाई। इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्लासीफाई करेगा छोटे छोटे ग्रुप्स में, और बेटा उन ग्रुप्स को कंपेयर करेगा ताकि बेटा वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस निकाल सके। और आपको पता है आपने भी किया ये एनालिसिस, आपको लग रहा हो हमने कब किया सर? रेशोस में आप क्या कर रहे थे सुनो, इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने थी, आपने क्या करा बेटा, एक ग्रुप बनाया नोन एज करंट एसेट्स, एक ग्रुप बनाया बेटा नोन एज करंट लाइबिलिटी, और बेटा एक दूसरे से इसको कंपेयर करा टू पिन पॉइंट द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस। नहीं निकाली हमने। अच्छा आपको पता है करंट रेशियो क्या निकालती है कि फर्म शॉर्ट टर्म सोलवेंसी फर्म की है भी या नहीं है, शॉर्ट टर्म में हम करंट लाइबिलिटी पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे। अगर मैं बोलूँ ये रेशो ऐसे आए 5 लाख अपॉन 1 लाख दैट इज 5:1, तो आप क्या बोलोगे? यार बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, शॉर्ट टर्म में इंसॉल्वेंट नहीं हो सकती कंपनी, यही बोलोगे ना? तो सर स्ट्रेंथ मिली ना, वीकनेस भी तो मिल सकती थी। अगर ये 50,000 ही होता और 1 लाख होता तो सर आपको लगता ना यार शॉर्ट टर्म में सोलवेंसी पे खतरा है, कभी भी ये लाइबिलिटी 1 लाख की अराइज हो सकती है और 85,000 रुपये हैं शॉर्ट टर्म में हमारे पास। तो बेटा फाइनेंशियल एनालिसिस बोलता क्या है बेटा? बड़ी सिंपल बात है फाइनेंशियल एनालिसिस करना, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं इनटू ग्रुप्स, और बेटा वेरियस ग्रुप को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हम पिन पॉइंट कर सकें बेटा स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस। समझ आई बात? सर और रेशो का एग्जांपल दूं, डेट इक्विटी। इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने क्या किया, डेटा को क्लासीफाई करा इंटू ग्रुप्स, एक ग्रुप बनाया इक्विटी, एक ग्रुप बनाया डेट, कंपेयर कर रहे हो बेटा और निकाल रहे हो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अच्छा वो रेशो क्या निकालती है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, कि लॉन्ग टर्म में कंपनी सॉल्वेंट रहेगी, दिवालिया तो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना जी? आधो ने तो बेटा रेशो रट्टे ही मारे आज तक, बेटा रेशो रटने की चीज नहीं है। तो फिर तुम्हें एनालिसिस क्या करना आया? कल को तुम्हारे हाथ में कोई कंपनी बैलेंस शीट पकड़ा देगी सर एनालिसिस कर दो, तो तुम तो कहोगे कहीं हमें तो फॉर्मूला रटा था वो बता देते हैं, ठीक है ना? रेशो रटने की चीज नहीं होती। चलो खैर लेट इट बी, बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। बात आती है टाइप ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस की। लो जी ये क्या चीज़ है, इस पे चर्चा करते हैं बाबू। अब बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं हमारे को, ये चैप्टर सबसे इजी है प्रोवाइडेड सही बंदे से पढ़ो वरना रटते रहो, ठीक है जी? लो बाबू बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। बेटा फाइनेंशियल एनालिसिस 4 तरीके के, ठीक है ना? वैसे कह सकते हैं 6 तरीके के भी कुछ लोग बना देते हैं, ठीक है? हम 4 की चर्चा करते हैं। लो पुत्र सब सामने देख रहे हैं। तो बाबू फाइनेंशियल एनालिसिस 4 तरीके का, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, खत्म कर देंगे इसकी कहानी। बाबू एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, कई बार हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो लोग एनालाइज करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्टी नहीं है, यानी कि आउटसाइडर जो एनालिसिस करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। नाम से समझ आ रहा है एक्सटर्नल, ठीक है ना? अच्छा आउटसाइडर को जरूरत पड़ती होगी एनालिसिस करने की हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
या सिर्फ मैनेजमेंट को ही एनालिसिस करना है? करना है, अरे बहुत सारे हैं, खाली क्रेडिटर क्यों, क्रेडिटर को करना है? चलो मैं थोड़ा मुश्किल करूं, ऐसे मजा नहीं आएगा, क्रेडिटर को क्यों करना है, पागल है वो एनालिसिस करने बैठा है। सर देखो, क्रेडिटर को एनालिसिस इसलिए करना है कि उसको मेरी फर्म की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जाननी है कि शॉर्ट टर्म में मेरी फर्म सॉल्वेंट भी रहेगी, कहीं दिवालिया तो नहीं हो जाएगी, पता लगे मेरे पैसे ही नहीं आए। तो भी वही बात कह रही है, आप भी वही बात कह रहे हो, मैं मुश्किल कर रहा हूँ इस चीज को, मैं टेक्निकल टर्म में बोल रहा हूँ, क्रेडिटर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जानना चाहता है मेरी फर्म की, ठीक है ना जी। अच्छा, लेंडर को नहीं करना, लेंडर मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया, मैंने कहा जी लोन दे दो, उसने कहा ले आओ जरा फाइनेंशियल्स, चेक कर लें आपके फाइनेंशियल्स, करता नहीं वो एनालिसिस मेरे फाइनेंशियल्स पे, वो क्या जानने की कोशिश करता है? देखो अगर वो मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है तो वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जानना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहा है तो वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जानना चाहता है, करते हैं ना। अच्छा गवर्नमेंट नहीं करती एनालिसिस, इंटरनल मैटर तो नहीं है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट तो हमारी है, सरकार तो साड़ी अपनी है बात बाबू, बताओ तो सही, गवर्नमेंट क्या है, आउटसाइडर है, एक्सटर्नल एनालिसिस करेगी गवर्नमेंट? क्यों एनालाइज करेगी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? टैक्स नहीं लेना, टैक्स नहीं लेना क्या? या मैं जो कह दूंगा सरकार वो मान लेगी, आप तो बहुत साफ सुथरे ईमानदार आदमी हो, आप राजा हरिश्चंद्र, हाँ जी बस जो दे दिया आपने ठीक। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगेगा गलत प्रोडक्ट है या सही, ये बढ़िया बात है भाई। सरकार ये भी तो देखेगी कहीं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड तो नहीं हो रहा, या सोर्स ऑफ फंड कोई इलीगल तो नहीं है, ये कह सकते हो, ठीक है ना जी। तो गवर्नमेंट तो एनालाइज करना चाहेगी ना। वैसे बता देता हूँ, गवर्नमेंट एक और वजह से एनालाइज भी करना चाहती है, ग्रोथ। गवर्नमेंट मेरी ग्रोथ देखना चाहती है बाबू। मेरी ग्रोथ देखने से क्या होगा, एक सिंगल फर्म की ग्रोथ देखने से, बहुत सारी फर्म की ग्रोथ देखती है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ये देखने के लिए कि इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है। देश का ग्रोथ तो सोचेगी ना गवर्नमेंट, ठीक है ना जी। करेंगे अभी इसके ऊपर बात भी बाबू, इंटरनल एनालिसिस, नाम से समझ में आ रहा होगा, कौन करता होगा? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एग्जीक्यूटिव, मेनली मैनेजमेंट, ठीक है ना। मैनेजमेंट को एनालिसिस क्यों करना है? प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चेक करनी, क्या क्या कमा रहे हो भाई, क्या खा रहे हो, उनको नहीं सॉल्वेंसी से मतलब है, ठीक है ना। उनको भी तो सॉल्वेंसी से मतलब है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन सॉल्वेंट रहे, दिवालिया तो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना जी। ओके रिपोर्ट। सर ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। बेटा देखो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी कि बेटा कुछ ऐसा एनालिसिस, अब आपको बता देता हूँ, इसका एग्जांपल ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट थी, समझाऊँ कैसे बिना उसको बताए, और इसका एग्जांपल थी कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो इसलिए हल्की सी चर्चा मेरे को उसके ऊपर करनी ही पड़ेगी हर हाल में। बाबू हम कैसे करते थे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की चर्चा समझ लो बाबू। मान लो ये 2017 का डेटा है और ये 2018 का, क्वेश्चन हमें कैसे देता था? क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे देगा, करंट ईयर पहले लिखेगा और प्रीवियस ईयर बाद में। क्वेश्चन ने मेरे को दिया ये 2018 का डेटा, ये 2017 का, जब मैं सॉल्यूशन करता था कंपैरेटिव स्टेटमेंट का तो पहले प्रीवियस ईयर लिखता था फिर करंट ईयर, ठीक है। यहाँ पर लिखता था एब्सोल्यूट चेंजेस, ठीक है ना, और यहाँ लिखता था परसेंटेज में चेंजेस, ठीक है जी। मान लो बेटा पहले मेरी शेयर कैपिटल थी 1 लाख और 2018 में हो गई थी 1.5 लाख, तो मैं अब कैलकुलेट करता था एब्सोल्यूट चेंजेस। एब्सोल्यूट चेंजेस कैसे निकलेंगे, बी माइनस ए, दिस इज बी, मैंने बी मान लिया इसको, ठीक है ना। कितना चेंज हुआ भाई, 50,000 का पॉजिटिव चेंज हुआ, शेयर कैपिटल बढ़ गई, ठीक है जी। और कितना चेंज हुआ परसेंटेज में, इट इज, मैं मान लेता हूँ इसको सी, सी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय 100। ए क्या है, मेरा बेस ईयर, ठीक है ना बाबू, यानी कि चेंज कितना हुआ 50%। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक एक फिगर को ऐसे ही कंपेयर करता था, एक एक फिगर को, पूरी बैलेंस शीट को, पूरे एसपीएल को, एब्सोल्यूट चेंजेस निकालता था, परसेंटेज चेंजेस निकालता था बाबू। ये जो मैं कर रहा हूं ना, यही हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। यानी कि अगर मैं मोटी मोटी बात बोलूं तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इंट्रा फर्म होता है। इंट्रा फर्म मतलब विद इन द सेम फर्म, एक ही फर्म के दो ईयर के डेटा को
कंपेयर करना बेटा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। और आपको बता देते हैं इसके बहुत सारे नाम हैं, कुछ लोग इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, कुछ लोग इसको इंट्रा फर्म एनालिसिस बोलते हैं, कुछ लोग इसको टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। टाइम सीरीज क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो गया अब 2 साल। कुछ लोग इसको ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ से ट्रेंड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग इसको डायनेमिक एनालिसिस भी बोलते हैं, डायनेमिक मतलब क्योंकि फिगर चेंज होती रहती है, ठीक है जी। ये सब मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि इसके अदर नेम क्या है, ठीक है जी। तो बाबू ये क्या चीज है वर्टिकल एनालिसिस? अगेन अब मुझे कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात थोड़ी सी बतानी पड़ेगी। बाबू क्वेश्चन ने अगेन मेरे को डेटा दिया बाबू, दो पर्टिकुलर ईयर का, 17-18 का। उन्होंने जब दिया होगा तो पहले 18 लिखा होगा, फिर 17 लिखा होगा। मैं सॉल्यूशन करूंगा तो 17-18 ऐसे लिखता हूँ बाबू। मान लो ये शेयर कैपिटल दी हुई है 1 लाख, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दिए हुए हैं कुछ, मान लो 50,000 रुपये। नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है, मान लो सारी हेडिंग में मिला के दी हुई है 2.5 लाख रुपये। और बेटा मान लो करंट लाइबिलिटी दी हुई है 1 लाख रुपये, यानी कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का टोटल है 5 लाख रुपये। मैं क्या करता था बेटा कॉमन साइज में, सिर्फ परसेंटेज निकालता हूँ 2017 के अलग, परसेंटेज निकालता हूँ 2018 के अलग। कैसे बाबू? हर फिगर का एक बेस है, और वो बेस क्या है बेटा? बैलेंस शीट टोटल, यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 120%, यानी कि पूरी बैलेंस शीट टोटल का अकेले 20% तो मेरी शेयर कैपिटल है। 50,000 डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि बेटा 10% ये है, यानी कि बेटा 20% ये है, यानी कि बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी 50% है। और यहाँ से मैं एनालाइज करता था कि क्या गलत चल रहा है यार मेरी फर्म में। ये भी एनालिसिस का एक अच्छा टूल था, क्या टोटल बैलेंस शीट में से नॉन करंट लाइबिलिटी अकेली 2.5 लाख है, अपना पैसा भी कम लगा हुआ है, तो यहाँ से भी एनालिसिस करती हैं कई फर्म, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस, और दिख भी रहा होगा कि इसका नाम वर्टिकली क्यों रखा गया, ठीक है ना। कुछ लोग इसको बेटा बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, कुछ लोग इसको बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक क्यों? क्योंकि एक ही ईयर की फिगर कंपेयर होने वाली है और वो फिगर बदलने नहीं वाली। जब 2 सालों की फिगर आती है तो अगले साल फिगर बदल जाती है, इसलिए इसको डायनेमिक बोलते हैं, इसको स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है ना जी। और आपको बता देता हूँ ये एनालिसिस रेशोस से भी होता है। एक फर्म के डेटा को अगर मैं दूसरे फर्म के 2017 के डेटा से कंपेयर करूं तो बेटा रेशोस से भी कंपेयर कर लेता हूं। मैं एक फर्म की रेशो डेट इक्विटी देख रहा हूं, दूसरी फर्म की देख रहा हूं, सेम इंडस्ट्री में देख रहा हूं। एक फर्म की करंट रेशो देख रहा हूं, दूसरी फर्म की भी सेम इंडस्ट्री की करंट रेशो देख रहा हूं, ठीक है ना। तो हम इसको इंटर फर्म एनालिसिस भी बोलते हैं, दो फर्म के डेटा को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी तक जितनी बात बोली समझ आई, मीनिंग समझ में आया था फाइनेंशियल एनालिसिस का, टाइप्स क्लियर? आगे बढ़ाएं बात, ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है। नोट्स की शक्ल देख ली है, चलो बाबू पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना, लिखा सब कुछ सेम है जो मैंने बोला है, ठीक है जी। अब मैं ऑब्जेक्टिव की बात करने वाला हूँ, ठीक है, यहीं कर देता हूँ ऑब्जेक्टिव्स की बात। लो सामने देखना, अच्छा क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एनालिसिस करने से, हासिल क्या होता है आपको? बहुत सारी चीज़ें कुछ हासिल हो जाती हैं, ठीक है ना। मैंने एक शॉर्टकट बनाया, याद रह जाए तो ठीक, बात नहीं रह जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना बाबू। BSF हमारी एक फोर्स है ना, वो बी नहीं है यहाँ, PSF है, ठीक है ना। और CCS यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। जैसे भी आपको याद रह जाए, मैंने बहुत मत्थापच्ची करी बेटा, ठीक है ना, आपको याद कराने के लिए। थ्योरी का तो वैसे भी हम ठीक ठाक समझता हूँ मैं अपने आप को थ्योरी में, बाबू समझना जी बाबू। क्यों कर रहे हैं हम फाइनेंशियल एनालिसिस? टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, टू मेजर द सॉल्वेंसी, टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। मैं देखना चाह रहा हूँ मेरी फर्म एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न कर भी रही है कि नहीं। मैं देखना चाह रहा हूँ मेरी फर्म शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में सॉल्वेंट रहेगी या नहीं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि अगर कभी मुझे फंड की जरूरत पड़ी या कहीं इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी तो वो बेटा इंटरनल सोर्सेज से जनरेट हो भी सकते हैं कि नहीं, और अगर इंटरनल सोर्सेज से जनरेट नहीं हो सकते क्या आउटसाइडर मुझे फंड लैंड कर भी देंगे कि नहीं। सर मैं इतनी सारी रेशोज निकालता हूँ, मैं इसी वजह से निकालता हूँ। आप एक बात बताओ, आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नहीं निकाली? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाली है ना? प्रॉफिटेबिलिटी तो जानने की कोशिश कर रहे हो,
तो फाइनेंशियल एनालिसिस का पहला ऑब्जेक्टिव है देखना कि प्रॉफिट कमा क्या कितना रहे हो, किस रेट पे कमा रहे हो, एडिक्वेट प्रॉफिट कमा भी रहे हो क्या नहीं कमा रहे हो। ठीक है ना जी सर। सॉल्वेंसी रेशोस निकाली है ना मैंने, तो बेटा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखना कि मेरी फर्म सॉल्वेंट भी रहेगी कि नहीं, कहीं दिवालिया हो जाएगी कुछ दिनों में। तीसरी चीज, मैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो देखता हूँ, कमा भी रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, अगर कभी फंड की जरूरत पड़ी तो इंटरनली जनरेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और अगर नहीं हो सकते क्या एक्सटर्नल सोर्सेज हमें दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, वो तभी दे सकते होंगे अगर डेट इक्विटी रेशो अच्छी होगी, आईसीआर अच्छी होगी, डीएससीआर अच्छी होगी। ठीक है ना जी। तो ये सब मेजर करने के लिए मैंने इसका मैटर इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि बेटा जो मैं समझा दूंगा ना वो यहाँ बैठेगा और वही लिखना है। ठीक है, आपको लगता है फिर भी कि मुझे याद नहीं रहेगा तो लिख लेना जो बातें मैं बोल रहा हूँ। ओके बात, ठीक है बात, बढ़ाऊं बात को आगे। बेटा मैंने तीन और बातें लिखी बाबू कंपेयर करने के लिए दूसरी फर्म के साथ, मैं इसलिए भी करता हूँ फाइनेंशियल एनालिसिस। बेटा इंडस्ट्री इसी रूल पे चलती है, आपको पता है कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, हमारे क्लोज कॉम्पिटिटर के ऊपर हमारी कितनी नज़र होती है। अब कंपनी का डेटा है बेटा, प्राइवेट तो नहीं रख सकते ना, इतना तो पढ़ा है ना 11th क्लास में कि कंपनी अपने फाइनेंशियल पब्लिश करती है, एनुअल रिपोर्ट इस साल डाउनलोड करके बनाया है ना प्रोजेक्ट, तो कंपनी का डेटा तो पब्लिक ही रहेगा हमेशा, प्राइवेट तो नहीं रह सकता। अब उसका क्लोज कॉम्पिटिटर क्या करता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता है अपनी, उठाता है रेशोस निकालता है अपनी 10 उसकी 10 कंपेयर करता है। यार हमारे धंधे में क्या गड़बड़ चल रही है, हमारा कॉम्पिटिटर हमारे से आगे कैसे चल रहा है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है फाइनेंशियल एनालिसिस का कि हम कंपेयर कर सके अपने आप को दूसरी कंपनीज के साथ, ये मैंने लिखा है 4th पॉइंट में। ठीक है जी। 5th पॉइंट में हमने क्या लिखा है बेटा कि कंपनी की इतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं कि हम इंटरेस्ट और डिविडेंड टाइम पर दे पाएंगे, क्या हम डिविडेंड हायर रेट पे कर सकते हैं अगले साल, पिछले साल जिस रेट पे किया है, क्या कंपनी की ग्रोथ प्रॉफिट की उतनी चल रही है। और बेटा हम बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन भी देते हैं मैनेजमेंट को, अगेन वो यूजफुल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तो यही लगभग यही तीनों का इस्तेमाल करता। तो ये ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एनालिसिस को एनालाइज करने के। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल है टॉपिक, कॉम्प्लिकेट आप करते हो बेटा चीजों को, है बहुत सिंपल चैप्टर। अभी तक आप देख रहे हो कि मैं मेजर एग्जाम्पल रेशोज पे ही दिए जा रहा हूँ। ठीक है ना, एनालिसिस का एक टूल है क्योंकि हमने सबसे अच्छे से वही पढ़ा है तो ज्यादा बात उसी की हो जाए तो ज्यादा बढ़िया, मैंने एग्जाम्पल सोचे ही उसके हैं बेटा ज्यादा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू, आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट टॉपिक बेटा यूजेस है, लेकिन बेटा मैं यूजेस से पहले ना इम्पोर्टेंस कराना चाहता हूँ। पहले टॉपिक का नाम पढ़ लो बाबू, ये टॉपिक मैं अलग से कराऊंगा आपको। टॉपिक का नाम पढ़ना, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस और पार्टीज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल एनालिसिस। बाबू कौन कौन लोग फाइनेंशियल एनालिसिस में इंटरेस्टेड होते हैं, कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में। देखो मैं आपको बड़ी सिंपल बात बोलता हूँ, हर वो पर्सन जो कंपनी से एसोसिएटेड है, जिनको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, वो सब इंटरेस्टेड होते हैं मेरी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में, सबके कारण है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंस है, यही है पार्टीज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल एनालिसिस। मेरी तरफ देखना, मेरी कंपनी से ना बेटा बहुत सारे लोग एसोसिएटेड है, ठीक है ना, और जो जो भी एसोसिएटेड है इन सबको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं स्टेक होल्डर, और बेटा ये सब चाहते हैं मेरी फर्म का फाइनेंशियल एनालिसिस करना। ठीक है ना जी, और क्यों क्यों करना अभी ये भी पता लग जाएगा। मैंने इतना आसान किया इस चीज को, ठीक है ना, बुक्स उठाकर देख लेना बेटा, दिमाग हिल जाएगा, मैंने बहुत आसान किया इस चीज को, यकीन मानना बाबू। सबसे पहले जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं मेरे फाइनेंशियल एनालिसिस में वो है शेयर होल्डर्स, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोग बेटा, फिर मैनेजमेंट। आपको बता देता हूँ इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट मतलब सिंपल भाषा बोलूँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत अलग बात, शेयर होल्डर बहुत अलग बात, अगर थोड़ा सा ज्ञान हो 11th क्लास का। सर सप्लायर्स, सप्लायर्स मतलब वही क्रेडिटर्स हमारे, वो बैंकर्स, लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब भी इंटरेस्टेड होते हैं बाबू। गवर्नमेंट, रिसर्चर्स,
एक और एंटिटी होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन। बाबू ये सब फाइनेंशियल एनालिसिस करने में इंटरेस्टेड है मेरी फॉर्म का, सब के सब, मेरे से जुड़े हुए मेरे वर्कर, मेरे से जुड़े हुए मेरे शेयर होल्डर, मेरे से जुड़ा हुआ मेरा मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, मेरे ऊपर रिसर्च करने वाले लोग, बैंकर्स, सप्लायर्स, सब इंटरेस्टेड हैं और ये सब स्टेक होल्डर हैं। अब बेटा एनालिसिस कोई क्यों क्यों करना चाहता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर में, अगर ऐसी किस्मत हो आपकी, ठीक है जी, तो क्या होगा? 1 मिनट में उड़ाओगे आप, मैं ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ आपको। देखो बेटा, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन मैं बता देता हूँ, सातों में 2 बातें बिल्कुल कॉमन है। देखो, शेयर होल्डर क्यों एनालिसिस करना चाहता है? वो मेरी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना चाहता है, फाइनेंशियल पोजिशन भी देखना चाहता है, ये बात कॉमन है सातों में। मैनेजमेंट क्यों? बेटा प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजिशन में इसको इंटरेस्ट नहीं है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं चाहते आप कमाओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं चाहते आपके पास कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है? सर सप्लायर, सप्लायर नहीं आता मैं कमाऊं? वो तभी तो देगा अगर मैं कुछ कमा रहूंगा। सर साथ में ये बात बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन। अगर आपको लगता है कि किसी में नहीं होगी तो पूछ लो, मैं बता दूंगा क्यों। सबको देखना है, सबको, किसी में एक आ चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है, मेरी तरफ देखना। सर शेयर होल्डर और क्या चाहते हैं? बेटा मेरी फर्म की ग्रोथ, तभी इन्वेस्ट करेंगे अगर मैं ग्रोइंग होऊंगा, वरना उसको भी कुछ रिटर्न नहीं मिलेगी भाई। गवर्नमेंट मेरी ग्रोथ, रिसर्चर्स मेरी ग्रोथ। भाई गवर्नमेंट को ना, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि गवर्नमेंट मेरी ग्रोथ भी चाहती है। क्यों? क्योंकि उसको देखना है भाई कंट्री किस तेजी से ग्रो करेगी, उसको देखना है जीडीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा मेरे देश का। गवर्नमेंट को तो जीडीपी से मतलब है भाई, वो तो चाहता है मैं ग्रो करूं, ठीक है ना जी बाबू। व्हाट अबाउट सप्लायर्स? स्टेबिलिटी चाहता है, फाइनेंशियल पोजीशन चाहता है, वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चाहता है भाई मेरी। अच्छा, इसको लॉन्ग टर्म से कोई मतलब है? इसको करंट लायबिलिटी से ज्यादा करंट एसेट दिखनी चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं है टोटल डेट और इक्विटी से। कहता लॉन्ग टर्म में हो जाइयो, दिवाली आती, उन्हें तो मेरे पैसे 1 साल में दे देने। इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चाहिए, ये 2 बातें तो चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए साथ में? शॉर्ट टर्म सोलवेंसी। अच्छा, बैंकर को क्या चाहिए? इसको बेटा दोनों सोलवेंसी चाहिए। चलो जी बेटा, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप टेबल वैसे देखोगे ना बेटा, जो बातें मैंने वहां पर समझाई हैं सेम टेबल में, कट कॉपी पेस्ट, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अलावा। अब 2 ही टॉपिक बचते हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है। एक टॉपिक है बेटा यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब बेटा फाइनेंशियल एनालिसिस के इस्तेमाल क्या है, ठीक है ना? लो मेरी तरफ देखना, बहुत ही सिंपल, कुछ बिजनेस स्टडीज भी याद आ सकती है बेटा।
सबसे पहली बात है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरी बात है बेटा क्रेडिट डिसीजंस, तीसरी बात है बेटा डिविडेंड डिसीजन, याद आ गई होगी वैसे तो, ठीक है ना। और ये है बेटा वेरियस मैनेजीरियल डिसीजन। बाबू याद आ गया होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, अभी ताज़ा ताज़ा याद किया। बेटा अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो फर्म ये एनालाइज करती है, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्या मुझे उस इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करना चाहिए या कॉन्टिन्यू करना चाहिए। आपको पता है बेटा एक रेशो ऐसी है, रेशो का नाम है बेटा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं बोलूँ बेटा इसका सिंपल मतलब तो पता है ना, रटने वाले नहीं मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, बेटा मैं क्या कमा रहा हूँ, कितने रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, रिटर्न अपॉन द इन्वेस्टमेंट, यही तो होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं बोलूँ मेरी फर्म की है 3%, पर कहीं ना कहीं अगर मैं ये रेशो निकाल रहा हूँ, अगर मैं फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे को ऐसी इन्वेस्टमेंट को डिसॉल्व करना है जल्दी जल्दी, ख़त्म करो। कुछ कमा थोड़ी रहा हूँ भाई, सिर्फ 3% कमा रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है, चाहिए ही नहीं कंटिन्यू। और मैं बोलूँ मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस किया, ये रेशियो निकाली और बेटा मैं 15% कमा रहा हूँ, तो सर ऐसी इन्वेस्टमेंट मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए ज़िंदगी भर, 15% एक हेल्दी रिटर्न है। तो सर फाइनेंशियल एनालिसिस से मैं देखता हूँ कि मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है, इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू या ख़त्म करना है। सर क्रेडिट डिसीजन ये कौन लेता है, ये सर बैंकर्स लेंडर्स लेते हैं। वो फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों करते हैं, उसका इस्तेमाल क्या करते हैं कि ऐसी फर्म को मुझे क्रेडिट एक्सटेंड करना भी है कि नहीं, लोन देना भी है कि नहीं, ठीक है ना। बीइंग अ सीए मुझे तो ये बात बहुत अच्छे से पता है, आपको भी पता होनी चाहिए, कोई भी बैंक बेटा लोन देता है मेरे फाइनेंशियल्स देख कर देता है, ठीक है ना जी। तो वो क्रेडिट डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हैं। डिविडेंड डिसीजन ये भी फर्म खुद लेती है डिसीजन, बेटा मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखता हूँ, मैं बेटा अपने फ्यूचर प्रोग्राम देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे पैसा रिटेन करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है एज डिविडेंड, ठीक है ना जी। और मैनेजमेंट और भी बहुत सारे डिसीजन ले सकता है रिगार्डिंग सोलवेंसी, रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है ना। अगर सोलवेंसी खतरे में आए तो कोशिश करो डेट उतारने की या इक्विटी से फंड और रेजिंग करने की, डेट इक्विटी रेशो को बैलेंस में रखने की, 2:1 से ज़्यादा ना बढ़ाने की, ठीक है, ये इस्तेमाल है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बढ़ाएं बात को आगे। बेटा एक टॉपिक बचता है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, लास्ट वन। मैं आपको बता देता हूँ जितने 5 टॉपिक ऊपर करे उससे ज़्यादा जान अकेले इसमें लगाना, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये मुश्किल है, ये बहुत इजी है, पेपर में बेटा ज़्यादातर यही आता है, ठीक है ना, 100% तुक्का है ये, ठीक है, तैयारी कर लो इसकी, कई बार तुक्के फिट बैठ जाते हैं, ठीक है जी। चलो मैं इधर देखना भाई, जैसे तुम्हें याद रहे वैसे देख लेना, मैंने शॉर्टकट ऐसे बनाया और कुछ बन ही रहा था यार, ठीक है ना जी। और भी कोई तरीका हो सकता था, BCDLLW या LLB भी कर सकता था मैं, इसको सोच रहा था, ठीक है ना, फिर ठीक है, अब जैसे तुम्हें याद रह जाए, ठीक है, तुम देख लो। बाबू सब सामने देख रहे हैं बेटा, सबसे पहली बात ये है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा अच्छा एक बात बताओ, बात पढ़ रहे हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस में क्या कमी हो सकती है। बाबू देखो फाइनेंशियल एनालिसिस होता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही है, अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही कमी है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा फाइनेंशियल एनालिसिस में भी तो कमी होगी ना। कई बार बेटा चलो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कोई फर्म मेरे पास ले आई बैलेंस शीट, एनालाइज कर दो, मैं इसकी फ़ी दूंगी आपको, ठीक है, और मान लो बेटा उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनऑथेंटिक कोई इन्फो थी, कोई बेटा गलत फिगर्स थी, तो जो मेरा फाइनेंशियल एनालिसिस होगा उसमें भी तो कमियाँ होंगी ना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही कमियाँ थी। तो पहली तो लिमिटेशन यही है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही कमी है तो फाइनेंशियल एनालिसिस में तो ऑब्वियस ही बात है कमी होगी, कितनी सिंपल बात है, मुश्किल है क्या ये, ठीक है, सिंपल है बात, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू सेकेंड बात अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, इलीगल तरीका है, ठीक है ना, जैसे बेटा आप अपने आप को साफ सुथरा करते हो, सुधारते हो, वैसे बैलेंस शीट सुधारने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना, ट्रेडिंग P&L अकाउंट सुधारने के बहुत तरीके होते हैं, तो हम कई बार ना अकाउंट्स में विंडो ड्रेसिंग करते हैं, हम मतलब मैं नहीं मतलब
ठीक है ना जी। लो मैं बता देता हूँ कैसे होती है विंडो ड्रेसिंग। एक एक ही एग्जांपल दूंगा, कोशिश करना यहाँ पर घुसे, ठीक है जी। चलो मेरी तरफ देखना। वो जब हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, ये कोई अकाउंट होता था, बेटा ही बनाया करते थे, ये ना हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे पिछले साल नर्सरी क्लास में पढ़ा करते थे। अकाउंट्स की तो नर्सरी है वो, ठीक है जी। बाबू ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारी आइटम जाती थी, बाय साइड तो गिनी चुनी जाती थी। बाय नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और बाय क्लोजिंग स्टॉक टू साइड। चलो ओपनिंग स्टॉक हो गया, नेट परचेजेस हो गई, डायरेक्ट खर्चे हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा फिर P&L अकाउंट में लाते थे, बहुत सारे खर्चे बहुत सारी इनकम, और फिर कहीं निकालते थे नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। मान लो मेरी फर्म का नेट प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख, बहुत कम, ठीक है। अगले साल मुझे लोन लेना है, आज 31 मार्च है, मेरे को पक्का पता है कि मैंने अगले साल लोन लेना है, पैसों की जरूरत है। बैंक करेगा लोन 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पे? करेगा नहीं। मुझे 10 लाख करना है इसको, तब बैंक ने करना है लोन, क्या करूं? तो देखो मैं बता देता हूँ, जब फर्म के पास कोई रास्ता नहीं होता तो एक रास्ता उसके पास हमेशा बढ़ होता है, क्लोजिंग स्टॉक को 9 लाख से बढ़ा दो। ये 9 लाख से बढ़ाते क्या होगा, 10 लाख। कौन चेक करने आ रहा क्लोजिंग स्टॉक? देखो मेनली बता देता हूँ, फर्म का जो CA होता है ना, अब मान लो मैं किसी फर्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक नहीं मैं बहुत सारी फर्म का टैक्स ऑडिट करता हूँ, ठीक है। मान लो 40 फर्म का करता हूँ टैक्स ऑडिट, भाई मैं 40 की दुकानों पर जा सकता हूँ 31 मार्च को और गिनवाऊँ स्टॉक अपने सामने, आंखों के सामने? नहीं। तो यहाँ पे तो हमेशा स्कोप होगा ना प्रोपराइटर के पास झोल करने का। जब मैं टैक्स ऑडिट करता हूँ, ये बात मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, पूरे इंडिया के CS की बता रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर ना हम एक रिमार्क देते हैं अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, एज सर्टिफाइड एंड वैल्यूड बाय द प्रोपराइटर ओनली, इट इज नॉट सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मैं सर्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये तो प्रोपराइटर ने मेरे को बताया और उसका सर्टिफिकेशन है, ये उसकी वैल्यूएशन है, मेरी वैल्यूएशन ही नहीं है। अब बैंक जाने और प्रोपराइटर जाने कि लोन करना है कि नहीं करना, मैं बाहर हूँ इससे, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। लेकिन आपको ये तो पता लगा होगा कि मैंने अपने फाइनेंशियल सजा दी है, होगी विंडो ड्रेसिंग, ऐसे होती है विंडो ड्रेसिंग। तो सर फाइनेंशियल एनालिसिस में कमी तो है ही ना, हम कोई ढंग का एनालिसिस थोड़ी कर पा रहे हैं अगर प्रोपराइटर थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है तो, कर सकता है, ठीक है ना जी। और बेटा अगर कई फर्म के स्टॉक होते हैं कई 1000 करोड़ के, कौन गिनेगा, गिनेगा कौन, बात तो ये है ना। तो कमी हो सकती है कि नहीं हो सकती, कमी समझ में आ रही है? ओके है रिपोर्ट। चलो सर डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द प्राइस लेवल, ठीक है ना, ये बात है चेंजेस इन द प्राइस लेवल। सर फाइनेंशियल एनालिसिस में कई बार हम बेटा प्राइस लेवल का, कई बार नहीं 100% प्राइस लेवल का चेंज ही नहीं देखते। कहने का मतलब है, मेरी तरफ देखना बाबू, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहा हूँ, फाइनेंशियल एनालिसिस का ही तो टूल है, ठीक है। एक तरफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मान लो 1 लाख, और एक तरफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1.5 लाख। मैंने क्या किया होगा अभी बताया था, एब्सोल्यूट चेंज 50,000 और बेटा परसेंटेज इन 50%, ऐसे तो किया होगा, ठीक है। बहुत खुश हुए 50% सेल में ग्रोथ कर दी। सर मैं बोलूं कि हमारी फर्म ना कपड़ा बेचती है और ताजा ताजा कपड़े में ना महंगाई आई है, ठीक है। 100 रुपये मीटर कपड़ा है था पिछले साल, ठीक है ना, मैंने 1000 मीटर बेचा था। इस साल वही कपड़ा 150 रुपये मीटर है और मैंने 1000 ही मीटर बेचा है, बताओ जी मेरा एनालिसिस बढ़िया, कबाड़ा, बिल्कुल कबाड़ा। भाई यूजर तो बहुत खुश होगा ना, अब मान लो आप शेयर होल्डर हो, मैंने दिखा दिया जी 50% ग्रोथ है सेल्स में, आप तो बहुत खुश हुए। सर ये सारी ग्रोथ प्राइस लेवल की है, क्या मेरी कोई एक्चुअल ग्रोथ है? एक्चुअल ग्रोथ इज जीरो। 1000 मीटर कपड़ा पिछली बार बेचा था, 1000 ही मीटर इस बार बेचा है, इन्फ्लेशन आ गया, मेरी ग्रोथ नहीं हुई कुछ भी, पर यूजर को क्या लगेगा कि ग्रोथ हो गई। तो सर फाइनेंशियल एनालिसिस में कमी है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके रिपोर्ट। 3 बातें, चलो सर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। सर ऐसा हो सकता है, देखो जब इंटर फर्म हम कंपैरिजन करते हैं एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ करते हैं, तो हो सकता है ना सर उस फर्म ने कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ की हो, मैंने कुछ और, ठीक
देखो आपने गुडविल वैल्यूएशन के बहुत सारे तरीके पढ़े। मान लो मेरी फर्म ने निकाला है बेटा सिंपल एवरेज पे और उसकी फर्म ने निकाला है सुपर प्रॉफिट पे और हम कंपेयर कर रहे हैं, सर इस कंपैरिजन का कोई फ़ायदा होगा जब पॉलिसी अलग है? तो मैं फिक्स एसेट्स पे डैप लगाता हूँ, WDV पे, वो लगाता है SLM पे, हम कंपेयर कर रहे हैं फिक्स एसेट्स को, सर कोई फ़ायदा नहीं ऐसे कंपैरिजन का। कंपैरिजन तभी हेल्दी कंपैरिजन बनेगा जब सारी फर्म बेटा एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ करती। क्लियर है बात? ओके बात। तो सर कमियां तो देख रही होंगी, फाइनेंशियल एनालिसिस में भी कमियां हैं। ठीक है बाबू, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। सर कहीं पर भी फाइनेंशियल एनालिसिस में, मैं चाहे कॉमन साइज की बात कर लूं, चाहे कंपैरेटिव की, चाहे रेशियोज की, चाहे कैश फ्लो की, कहीं पर भी मैं कोई क्वालिटेटिव बात मेंशन नहीं करता। सारे एनालिसिस क्या है? क्वांटिटेटिव, फिगर्स के कंपैरिजन है। सर क्वालिटेटिव अगर मैं बात नहीं करूंगा तो कई बार ऐसा हो सकता है बड़े काम की इन्फॉर्मेशन जो चाहिए हो मेरे शेयर होल्डर को, जो चाहिए हो बैंक को बेटा, जो चाहिए हो गवर्नमेंट को, वो मैं दे ही ना पाऊँ। मैंने करके दे दिया एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, ठीक है जी, आज तुम्हें बढ़िया लग सकता हो सकता है बेटा मुझे क्वालिटेटिव बात पता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच की रिलेशन ठीक नहीं है, बहुत जल्दी झगड़ा होने वाला, हो सकता है फॉर्म बंद हो जाए। सर ये बात कहाँ बताऊँ? मेरे तो सारे एनालिसिस क्वांटिटेटिव हैं। हो सकता है बेटा चेंज इन मैनेजमेंट होने वाला हो, कोई बड़े काम का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेटा रिटायरमेंट लेने वाला हो और मुझे बात की खबर हो, मैं कहाँ बताऊँ? सर हो सकता है कि नहीं, बड़े काम की इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन काम की तो हो सकती है ना, पर बताने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्लियर है बात? समझ आई बात? सर लास्ट वन, इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायसनेस ऑफ द एनालिस्ट। सर कई बार ना एनालिसिस करने वाले भी खरीदे जाते हैं या बायस्ड होते हैं बेटा, और उससे सब कुछ बिगड़ जाता है, ठीक है ना। अगेन बेटा ROI है, ठीक है ना, हम फॉर्मूला लगाया करते हैं वैसे तो EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर थोड़ा सा याद हो डेट इक्विटी रेशियो निकाल लिया हमने, ठीक है ना भाई, अकाउंट्स तो बोलते हैं डेट अपॉन इक्विटी, पर बिजनेस स्टडीज में हम कैपिटल स्ट्रक्चर में टॉपिक पढ़ते हैं कि इसको निकालने के भी दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक और तरीका होता है ना डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। सर एक एनालिस्ट वैसे निकाल दे डेट इक्विटी रेशो से, एक निकाल दे डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी से, सर कहानी बदल जाएगी। शेयर होल्डर के सामने एक की पिक्चर बहुत अच्छी आ जाएगी, एक की पिक्चर बहुत खराब आ जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको निकालने का भी कोई एक तरीका नहीं होता, आपके पास तो ये तरीका है। कुछ लोग बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स से निकालते हैं रेशो, कुछ लोग बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ शेयर होल्डर फंड लेते हैं, डेट ही नहीं लेते। सर कहानी बदल जाती है, मैं आपको बदल के दिखाऊं कहानी, देखो आप सोचोगे। मान लो बेटा मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख बेटा इक्विटी है और 5 लाख का डेट है, ठीक है, EBIT कुछ भी समझ लो बेटा 3 लाख अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 बेटा ROI 20%। शेयर होल्डर के नजरों में हीरो बनना है ना, खरीद लो एनालिस्ट को, वो क्या करेगा, वो निकाल कर दिखाएगा तुम्हें ROI कैसे, EBIT अपॉन ओनली इक्विटी यू आर अर्निंग 30%, हो गया हीरो, बन गई कंपनी हीरो। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ लोग ऐसे भी करते हैं सिर्फ इक्विटी लिखते हैं, कुछ लोग डेट प्लस इक्विटी लिखते हैं, जरूरी नहीं है EBIT से ही निकले के ROI, कुछ लोग बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस से भी निकालते हैं। तो सर अगर एनालिस्ट ही बायस्ड है बेटा, तो बेटा वो कंपनी को हीरो तो बना ही देगा बेटा आउटसाइडर्स की नजरों में। ठीक है बाबू, एक हाफ खत्म हो गया थ्योरी का, दूसरा हाफ बचा है जो है बहुत आसान, ठीक है ना, बस आपने थोड़ी थोड़ी बातें समझनी है, थोड़ी थोड़ी झेलनी है, ठीक है जी बाबू। करेंगे शुरू, पहले 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा आगे की बात। बाबू स्टार्ट करेंगे पहले पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप के कुछ टॉपिक और फिर धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे बाबू। अब मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में बेटा मैं पार्टनरशिप को इसी तरीके से पढ़ाता हूँ जैसे मैं आप शुरू करूँगा, और कुछ बातें वैसे ही चलेंगी,
ठीक है जी, मुझे नहीं पता, कुछ लोग पार्टनरशिप की डेफिनेशन से सीधा शुरू कर देते होंगे, पर मैं कभी ऐसे शुरू करता ही नहीं हूं। मेरी तरफ देखना सब। मैं पार्टनरशिप की शुरुआत यहां से करता हूं। बेटा पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन, ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप के, और आपको बता देता हूँ इसमें से बेटा एक चीज कंपलसरी है और एक ऑप्शनल। पार्टनरशिप डीड इज अ कंपलसरी थिंग और बेटा रजिस्ट्रेशन किसी भी पार्टनरशिप का ऑप्शनल है बाबू। पार्टनरशिप डीड 11th क्लास में हम इसको बोलते थे रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। 12th क्लास में बेटा, क्योंकि वहां पे लिटिल नॉलेज होती है तो वैसे ही समझाया जाता है, यहाँ बेटा बोलते हैं हम एग्रीमेंट, रिटन वर्ड ही हटा दो। पार्टनरशिप डीड क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और बेटा लॉ बोलता है एग्रीमेंट मे बी ओरल मे बी रिटन, चाहे वो रिटन एग्रीमेंट हो तो भी वो पार्टनरशिप डीड है, चाहे हमने वर्बली डिसाइड करा वो भी पार्टनरशिप डीड है। लेकिन पुत्र ध्यान रहे, लिटिगेशन से बचने के लिए हमेशा चीजें रिटन होनी चाहिए, वरना कोर्ट ऑफ लॉ में कोई प्रूफ नहीं है वर्बल चीजों का, फिर बेटा पूरी जिंदगी केस ही लड़ने पड़ते हैं एक छोटे से मसले को सुलझाने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो इसके बिना पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती बेटा, चाहे रिटन हो चाहे एग्रीमेंट चाहे ओरल हो, एग्रीमेंट शुड बी देयर, इट इज अ कंपल्सरी थिंग। और बेटा ये बेटा टोटली ऑप्शनल है, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड कराना चाहो करा लो, नहीं कराना चाहो ना कराओ, लेकिन बेटा अगर रजिस्टर्ड नहीं होती तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहो। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तीन कॉन्सिक्वेंसेस हैं बेटा। बाबू मान लो बेटा मैं बोलता हूँ तीन पार्टनर हैं ए बी सी, सी की लड़ाई हो गई ए और बी से, यानी कि सी की लड़ाई हो गई पार्टनरशिप फर्म से, बेटा पार्टनर कांट फाइल अ सूट, पार्टनर केस नहीं कर पाएगा पार्टनरशिप फॉर्म पे अगर रजिस्टर्ड नहीं हुए तो। अच्छा ए और बी की लड़ाई होगी सी से, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म की लड़ाई होगी पार्टनर से, तो बेटा पार्टनरशिप फॉर्म भी केस नहीं कर पाएगी पार्टनर पे। और बेटा किसी आउटसाइडर से लड़ाई हो जाए पार्टनरशिप फॉर्म की, मान लो बेटा डी कोई सप्लायर है उससे लड़ाई हो गई, पार्टनरशिप फॉर्म आउटसाइडर पे भी केस नहीं कर सकती। तीन कॉन्सिक्वेंसेज हैं रजिस्टर्ड नहीं कराओगे, पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म पे केस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, पार्टनरशिप फॉर्म आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकती, ठीक है ना जी। और मैं हमेशा ये ऐसे ही समझाता हूँ, आउटसाइडर बेटा पार्टनरशिप फॉर्म पे हमेशा ही केस कर सकता है वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट, ठीक है ना। अच्छा कोर्ट अगर ऐसे लिख देती, मतलब लॉ बनाने वाले लॉ मेकर्स ऐसे लॉ लिख देते कि आउटसाइडर तब तक केस नहीं कर सकता जब तक आप रजिस्टर्ड ना हो, तो बेटा कोई अपनी फर्म को रजिस्टर्ड ना कराता, कोई भी रजिस्टर्ड ना कराता, सारे आउटसाइडर को धोखा देते कर ले केस, हो ही नहीं सकता भाई। इस वजह से लॉ ऐसा बना हुआ है बेटा कि आप रजिस्टर्ड हो या ना हो आउटसाइडर को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके ऊपर हमेशा ही केस कर सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात ओके है? चलो फटाफट से बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन की, अब मैं काम की बात करने जा रहा हूं, सुन लो बाबू। वन मार्क के लिए बात यह है कि ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन किसने दी और किस एक्ट में दी। बेटा ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन देने वाला है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, खुद पार्टनरशिप एक्ट ने बताया पार्टनरशिप उसके हिसाब से क्या है। और बेटा किस सेक्शन में बताया? सेक्शन 4, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए इंडिया के जितने भी लॉ हैं बेटा वो सब डिवाइडेड इनटू सेक्शन है, सेक्शंस होते हैं फिर सब सेक्शंस होते हैं फिर क्लॉजेस होते हैं फिर सब क्लॉजेस होते हैं, ऐसे डिवाइडेड होते हैं, जब आगे बढ़ोगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है जी। इनकम टैक्स लॉ तो कभी ना कभी पढ़ोगे इस जिंदगी में पक्का, ठीक है जी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो सेक्शंस में डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत अलग चीज़ हो गई है, वो सबसे बड़ा कानून, इसलिए बेटा सबसे बड़े कानून को सेक्शंस में नहीं आर्टिकल में डिवाइडेड किया गया, ठीक है। वैसे आपको बता देता हूँ एक और एक्स्ट्रा बात, कोई के देखना होती है सेक्शन 2 में,
रिस्पेक्ट, ठीक है ना जी। चार्जिंग सेक्शन, उसे चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। आपको पता लग जाएगा कुछ दिन बाद जब कोई और कानून पढ़ने को मिलेगा, कोई कानून पढ़ाना सिखाएगा, लॉ सब्जेक्ट आएगा। सेक्शन टू में होती है सारी डेफिनेशन, के लिए फोर में पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, ठीक है जी। चलो मैं डेफिनेशन पे चर्चा कर देता हूँ फटाफट से। लो बाबू सामने देखना, मैंने ना डेफिनेशन लिखी स्टाइल्स है बेटा कि मैंने दो अलग अलग बातों पे अलग अलग चर्चा करनी। तो बाबू ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की गिवन डेफिनेशन है। कहता है पार्टनरशिप है क्या, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पहले इसकी चर्चा बाबू। कहता है पार्टनरशिप क्या, पर्सन के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो अपना प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए। देखो आपकी जनरल सेंस भी यही बोलती है, पार्टनरशिप क्या है, जहां बेटा लोग अपना प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए वही पार्टनरशिप है। तो लॉ ने भी ऐसे ही बोला, पर्सन के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो अपना बेटा प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए। और बेटा बता देता हूं, यहां प्रॉफिट को लिटरली मत पढ़ लेना, प्रॉफिट इटसेल्फ इंक्लूड द लॉसेस, पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन है यहां लॉ की, कि खाली प्रॉफिट बांटने को तैयार ना हो जाए बेटा, लॉस भी बांटने को तैयार हो जाए, ठीक है ना जी। चलो ये तो सबसे बच्चों वाली बात है, कोई बता देगा, मजा इसी में। कहता कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसको हम प्यार से बोलते हैं 11th क्लास याद आ रही होगी, म्यूचुअल एजेंसी। बाबू इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, बड़ा फटाफट से इसको क्लैरिफाई करेंगे, काफ़ी सारे बच्चों को पता है, फिर हम मुश्किल बात पे थोड़ा टाइम लगाएंगे। बेटा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बाबू म्यूचुअल एजेंसी का सिंपल मतलब है हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का प्रिंसिपल है और हर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एजेंट है। मतलब बाबू जितने भी पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में होते हैं सब मालिक होते हैं और सबके सब नौकर होते हैं, सभी सब मालिक भी हैं और सबके सब नौकर भी हैं, ये भी ध्यान रहे बात। कहता है एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फर्म बाइंड कर देता है। क्या कहने का मतलब है, मान लो बेटा एक पार्टनरशिप फर्म है, तीन पार्टनर है ABC, तीनों मालिक भी हैं, तीनों नौकर भी हैं। मान लो बेटा कभी ABC को किसी एग्रीमेंट पे साइन करने जाना था और बेटा बी और सी को कोई पर्सनल रीजन आ गया, बिल्कुल उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जब उनको जाना था, बी और सी जा नहीं पाए, ए अकेला साइन करके आ गया, आपको क्या लगता है ये एग्रीमेंट खाली ए पे बाइंड होता है? नहीं बेटा, एक पार्टनर अपने एक्ट से सारी फर्म बाइंड कर देता है। ये पूरी पार्टनरशिप फर्म पे लगेगा चाहे खाली साइन ए के दिख रहे हो। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं, देखो सामने देखो, कहता कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब कहता सब मिलकर फर्म चला लो और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक पर्सन सबके बिहाफ पर एक्ट कर सकता है, यानी कि एक पार्टनर का किया गया काम पूरी पार्टनरशिप फर्म को भुगतना पड़ सकता है बेटा। और आपको बता देता हूं, जब ए साइन करने गया और बी और सी घर बैठे रहे तो बेटा हेयर बी एंड सी आर एक्टिंग एज द प्रिंसिपल, वो मालिक की तरह घर बैठे हुए हैं और बेटा ए उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के उनका नौकर बन के साइन करने गया, वो एजेंट है। कभी ऐसा हो बी जाए ए और सी घर बैठे हो तो ए और सी प्रिंसिपल बी एजेंट, सी जाए तो सी एजेंट ए और बी प्रिंसिपल, दिस इज म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है जी। मैं इस पर टाइम नहीं खर्च कर रहा, 11th का कंसेप्ट है, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बस दो तरीके के पार्टनर पर चर्चा करना चाह रहा हूँ, एक्टिव और स्लीपिंग। 11th क्लास में 6 थे, 6 पे चर्चा नहीं है मेरी बाबू।
एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है। देखो, पैसे ये भी इन्वेस्ट करता है, पैसे ये भी इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट लॉसेस ये भी शेयर करता है, प्रॉफिट लॉसेस शेयर ये भी करता है बाबू। सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, मैनेजमेंट। क्यों इसको एक्टिव बोल रहे हैं, क्यों इसको स्लीपिंग? पहली बात एक और बोल दूं, स्लीपिंग का दूसरा नाम होता है डोरमेंट पार्टनर। मैं भूल ना जाऊं, पेपर में इसी नाम से आता है बाबू। किस चीज का फर्क है, क्यों इसको स्लीपिंग बोला जा रहा है? मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा की तरह, बहुत अच्छा सा एक। बाबू एक सहारनपुर में ना हम एक स्कूल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? तीन पार्टनर हैं, ABC, ये मिलकर एक स्कूल बनाना चाह रहे हैं। इन्होंने बेटा कॉस्ट एसरटेन करा लिया, आर्किटेक्ट से सब कुछ पूछ पूछ लिया, वो कहता 6 करोड़ में सब कुछ तैयार हो जाएगा। इन्होंने बेटा अपनी सारी एसेट दाव पे लगा दी, 2-2 करोड़ रुपए मिलाए, 6 करोड़ रुपए इकट्ठे करे और स्कूल खड़ा करना शुरू कर दिया। स्कूल है, बड़ी बिल्डिंग है, टाइम लगेगा, 1.5 साल की कंस्ट्रक्शन है। 6 महीने ही बीते थे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत महंगी हो गई, हर चीज के दाम बढ़ गए। और बेटा जो इनका फॉरकास्टिंग थी कि 6 करोड़ में तैयार हो जाएगा, रेडी नहीं हुआ। अब इनको फंड शॉर्ट पड़ गए 2 करोड़ से। ABC ने अप्रोच करा किसी मिस्टर डी को, जो एक रेप्यूटेड पर्सन है शहर के, कि मिस्टर डी 2 करोड़ डाल दो, हमारे पार्टनर बन जाओ। मिस्टर डी ने कहा पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो अभी ले जाओ मुझसे, दिक्कत यह है मैं स्कूल में टाइम नहीं दे सकता 1 मिनट भी, क्योंकि मेरी दुकान में धंधा बढ़िया चलता है, मैं अपनी दुकान खोल लूंगा, तुम्हारा स्कूल देखूंगा, पैसे ले जाओ, पैसे की कोई टेंशन। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है। ABC ने कहा धंधा स्कूल का हम संभाल लेंगे, आप अपनी दुकान संभालो, बस पैसे डाल दो, हमारे इक्वल पार्टनर बन जाओ। डी ने कहा बहुत खुशी खुशी से 2 करोड़ लियो, चलो बनाओ स्कूल, मैं पार्टनर तुम्हारा। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये रियलिटी है शहर के आधे से आधा स्कूल्स की, ठीक है ना? ये कोई वैसे नहीं एग्जाम्पल है बाबू। हेयर डी इज एक्टिंग एज अ स्लीपिंग पार्टनर, वो स्लीपिंग पार्टनर ही तो है। डी क्या कर रहा है बेटा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा स्कूल के, और ABC एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए उनको एक्टिव पार्टनर बोला गया, ठीक है? मैं एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट से इसको लिंक कर दूं। अच्छा एक बात बताओ, सैलरी इसको पार्टनर एलिजिबल नहीं होता सैलरी के लिए, वो बात अलग है कि क्वेश्चन कहते हैं ए को सैलरी इतनी दे दो, बी को सैलरी। किसी दिन पेपर घूम के आ गया कि ये एक्टिव पार्टनर हो ये स्लीपिंग, मुझे पक्का विश्वास है आधे से ज्यादा पे सबको दे आएंगे वो सैलरी, आधे से ज्यादा पे विश्वास है मुझे। और फिर तुम कहते हो ने बहुत अकाउंट्स पढ़ ली, कोई नहीं भाई, ठीक है जी, चलो समझ आ गई बात, लो आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू मैंने ना ये 3 टॉपिक करा दिए, अब सबके लिए नए टॉपिक हैं। अब जरा सामने आ जाओ जरा, ठीक है ना? बिल्कुल एक्टिवली बैठ जाओ बाबू। बात कर रहे हैं राइट्स ऑफ पार्टनर की या राइट्स ऑफ न्यू एडमिटेड पार्टनर। कई बार पेपर ऐसे घुमा देता है क्वेश्चन, बच्चे राइट्स पढ़ के जाते हैं पार्टनर के, पेपर घुमा देता है क्वेश्चन कि ABC की एक फर्म थी, डी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, वो कौन से राइट एक्वायर करेगा, ठीक है ना? तो सर कोई फर्क थोड़ी पड़ गया, अब तो पार्टनर के तो राइट मिलेंगे उसको, ठीक है ना जी? तो नए एडमिटेड पार्टनर के राइट या पार्टनर के राइट बिल्कुल एक जैसे हैं, कुछ फर्क नहीं है। अच्छा मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं इसको, ना आपने पढ़ा आज तक, चलो तो देखते हैं कि हम राइट बना सकते हैं कि नहीं। पेपर में 3 नंबर का आ गया, नहीं तो अब देखो सामने देख रहे हैं सब, एक एक राइट बताना है आपने, 3 क्या 6 बता दो, हेलो 6 बनाएंगे हम। पार्टनर की राइट नहीं बता सकते हम, मैं कह रहा हूँ पानी ले लेना बस थोड़ा सा, नाक में डालना, सांस मत आने देना बाबू, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, पूरा साल बीत गया, पार्टनर के राइट नहीं बता सकते हम। हार्दिक बाबू बिल्कुल सही सी बात, जब आप पार्टनर हो तो आपका अधिकार है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस फर्म कमाएगी उसमें जो भी आपका PSR है, तो प्रॉफिट घर ले जाओ या लॉस ले आओ घर से, प्रॉफिट लॉस बांटना पड़ेगा बाबू। दूसरा राइटर है, बड़े सिंपल है यार, अगर आपने फर्म को लोन एक्सटेंड किया है तो बेटा आप के लिए एलिजिबल हो ही हो, कुछ भी कर लो, कम से कम 6%, बाकी कोई एग्रीमेंट में लिखा हो तो उस हिसाब से, ठीक है ना जी? और कुछ
डिसीजन मेकिंग सर पार्टनर और कौन करेगा डिसीजन मेकिंग, हमेशा से डिसीजन मेकिंग आपकी है, या बेटा इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए एक पॉइंट डिसीजन मेकिंग पे लिख दो, और बेटा एक राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, फ्री की बात है, दोनों एक जैसी हैं, ठीक है ना जी बाबू? राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। बुक्स ऑफ अकाउंट तो इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी पार्टनर, भाई बाहर वालों को तो नहीं दिखाना, आप तो इंटरनल हो। और सर ये भी आपका राइट है किसी और पार्टनर को एडमिट ना किया जाए बिना आपकी परमिशन के, ठीक है ना जी? ये भी आपका राइट है कि अगर आप रिटायर होना चाहते हो तो सारे पार्टनर को नोटिस दो, रिटायर हो जाओ, ठीक है ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल सी बात, कुछ है थोड़ी, ये पढ़ने नहीं है, ठीक है? ओके रिपोर्ट बाबू। अप्रोप्रिएशन ऑफ चार्ज, अप्रोप्रिएशन और डिफरेंस मैंने पुराने पे बताया हुआ है, ठीक है ना? अगर आप मेरी वीडियो भी देखोगे तो भी है, जब मैंने कंसेप्ट शुरू किया, तो मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाह रहा, मैं चर्चा इस पे करना चाह रहा, ठीक है? फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मेरी तरफ देखना, वो चर्चा करते हैं फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। अच्छा आधे से बच्चों को ना अगर मैं कहूंगा कि क्वेश्चन करके दिखा दो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे, तो सब करके दिखा देंगे, सब महारथी हैं। लेकिन अगर पूछूंगा ना फिक्स कैपिटल मेथड क्यों फॉलो किया जाता है और फ्लक्चुएटिंग क्यों, तो भाई साहब आधे से ज्यादा को नहीं पता होगा। अरे बात वैसे नहीं बोल रहा हूँ, आधे से ज्यादा इंडिया के भी बच्चों को नहीं पता होगा। तो सर आपको लगता है कि मास्टरी क्वेश्चन करने में, मास्टरी कंसेप्ट जानने में बेटा, मास्टरी क्वेश्चन करने में नहीं है, ठीक है? चलो खैर करूंगा मैं इसका डिस्कशन, मेरी तरफ देखना। सर फिक्स कैपिटल मेथड में हम कितने अकाउंट बनाते हैं? दो अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बेटा पार्टनर्स करंट बनाते हैं। मैं आज आपको ना पहले तो यही कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करूंगा थोड़ा सा इसमें, ठीक है? और बेटा फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला तो डिफरेंस ही यही है इन दोनों में। चलो पहले मैं वजह बता देता हूँ ये बनाने की। सर फर्म यही बनाने में इंटरेस्टेड होती हैं, रीजन कभी भी बेटा उनके अकाउंट्स पॉइंट में जाकर खराब नहीं करते। देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो बेटा दो पार्टनर हैं ए और बी, इन्होंने धंधा शुरू किया 1-1 लाख रुपए लगाकर, ठीक है? ये इनकी ओपनिंग कैपिटल 1-1 लाख रुपए लगाए, ठीक है? पहले साल का बेटा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, ठीक है ना जी? अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने P&L अकाउंट बनाया होगा तो इसमें से कोई खर्चा पॉइंट में हो सकता है कि नहीं हो सकता? इलेक्ट्रिसिटी 99.9% पॉइंट में जाती है, तो नेट प्रॉफिट कैसे आए होंगे? पॉइंट में। नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कैसे हुए होंगे? पॉइंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा, सैलरी बांटी, ब्ला 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 ब्ला, जब बेटा प्रॉफिट बांटे तो कैसे आए होंगे? पॉइंट में। मैंने यहां पर प्रॉफिट ब्रॉड डाउन करे, सैलरी लिखी, सब पॉइंट में आ गया, प्रॉफिट बैलेंस कैरिड डाउन पॉइंट में। बस अब बेटा पूरी जिंदगी जोर लगा लो, इसे पॉइंट से हटा के दिखा दो। ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल पॉइंट में आ गई तो अगले साल की ओपनिंग पॉइंट में आ गई, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैसे आएंगे? पॉइंट में। ये चलता जाएगा, ये इससे बचने के लिए हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। और आपका दिल जानता है कि आप कितने लोग जानते थे बात, क्वेश्चन करना टास्क नहीं है सर। अब यहां क्यों नहीं जा सकते पॉइंट में? क्योंकि बेटा हम यहां लिखते ही क्या है? ओपनिंग कैपिटल, सिर्फ दो बातें और, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस जो जनरली पॉइंट में नहीं होती, और बेटा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल वो भी पॉइंट में नहीं होती, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल कभी पॉइंट में जाएगी नहीं। जब ये जाएगी नहीं तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कभी पॉइंट में आएगी नहीं। प्रॉफिट आ सकता है पॉइंट में, कोई नहीं, थोड़ा सा करंट अकाउंट डिस्टर्ब कर ले, इंटरेस्ट कभी पॉइंट में नहीं जाएगा, यानी कि एक साल की वजह से अगले साल के अकाउंट्स कभी खराब नहीं होंगे, ठीक है जी? बात समझ में आ गई? कुछ कुछ तो आई गई होगी सर। अच्छा एक बात बताओ, एक डिफरेंस की और बात कर देता हूँ, मेरी तरफ देखना सर। इसका बैलेंस समझदार समझ गए, हमेशा क्रेडिट होगा, हमेशा क्रेडिट।
ऐसा हो सकता है मैंने कैपिटल डाल ली 5-5 लाख और मैंने निकाल ली बेटा 6-6 लाख, ऐसे कैसे हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 5 लाख तो सर इसका बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सर इसका हो सकता है कि नेगेटिव नहीं हो सकता? सोचना और बताना। सर धंधे में आग लग गई, 10 लाख का नुकसान हो गया, चाहे पहले करंट का बैलेंस 5 लाख पड़ा था, नुकसान तो हो ही सकता है कितने का भी, तो इसका बैलेंस तो नेगेटिव हो सकता है। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, सर इसका भी नेगेटिव हो सकता है। देखो मैं बोलता हूँ, मैंने 5-5 लाख रुपए ही डाले, मान लो ओपनिंग कैपिटल 5-5 लाख लिखी हुई है, लॉस तो 10-10 लाख का हो सकता है दोनों को। तो बेटा इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इसका बैलेंस बेटा डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन इसका बैलेंस सर सवाल नहीं पैदा होगा कभी डेबिट का, क्रेडिट ही होगा। ठीक है, लगभग लगभग सारी बात हो चुकी होगी। ठीक है, इसमें पहली बात लिखी है दो अकाउंट बनते हैं या एक अकाउंट बनता है। ठीक है जी, कहता है यहाँ फिक्स कैपिटल में कैपिटल कभी चेंज नहीं होती एक्सेप्ट टू आइटम, या तो एडिशनल कैपिटल हो या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो, वरना कैपिटल कभी चेंज नहीं होगी। कहता है यहाँ तो हमेशा ही होनी है कैपिटल चेंज, एक आइटम तो होगी होगी प्रॉफिट या लॉस, कुछ और चाहे ना भी हो। ठीक है ना जी बाबू, कहता है ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन, चलो कहता है ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट आर ट्रांसफर टू द फिक्स कैपिटल और ट्रांजेक्ट बाकी। बाबू कहता है खाली ट्रांजेक्शन कैपिटल से रिलेटेड जाती है कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी चाहे प्रॉफिट है लॉस है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है सैलरी है ये सब जाएगी करंट में, या तो सभी कैपिटल में जाती है, या इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इसका डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, सारी बात हो गई। ठीक है जी बाबू, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, किसी टाइम पे पता है कितने हुआ करते थे, उससे भी पुरानी बात है, 10 और 20 हुआ करते थे। बैंकिंग फर्म में अलग थी कहानी और अदर फर्म में अलग थी कहानी, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट बढ़ा के 100 करी, फिर गवर्नमेंट ने इसकी लिमिट रिड्यूस करके 50 करी, पिछली हिस्ट्री सब भूल जाओ। करंट में लिमिट कितनी है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की? 50, ये याद रहे। ठीक है जी, करंट क्वेश्चन आने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अरे खतरनाक क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए। अगर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के अलावा मुझे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो बेटा ये। और एक बात और बता देता हूं बाबू, जब ये क्वेश्चन बेसिस के मत करना, और तैयार रहना कि पेपर ऐसा बोले डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन इकोनॉमिक ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट इंटरवेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, यानी कि बेसिस कौन देगा? पेपर देगा। तैयार रहना इस चीज के लिए, और ये 100% तुक्का है, ठीक है ना। तैयार रहना इस 100% तुक्के के लिए, क्योंकि मैंने देखे हैं फर्स्ट ईयर क्वेश्चन, जब 1 वाक्य क्वेश्चन कोर्ट इंटरवेंशन बहुत बार आया भाई, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत बार आया, इसको संभाल लेना। ठीक है, अच्छा फर्क तो समझते होंगे वैसे थोड़ा थोड़ा, खैर समझते होते तो यहाँ क्यों होते। अच्छा ये भी बात ठीक है, चलो बाबू चलो चलते हैं आगे। बाबू क्या फर्क होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में? बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक बात, इसका मतलब क्या है कि बेटा आज फर्म खत्म हो गई, आज पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब कोई भी बिजनेस रिलेशन या इकोनॉमिक रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता पार्टनर्स के बीच, खत्म हो गया सब कुछ। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है कि बेटा खत्म नहीं हुआ कुछ भी, सिर्फ पार्टनरशिप का स्टेटस बदल गया। यानी कि मैं बोलूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट इज वन एंड द सेम थिंग, कि आज पार्टनरशिप नहीं खत्म हुई, सिर्फ स्टेटस बदल गया पार्टनर के बीच, जो बिजनेस रिलेशन थी वो थोड़ी सी बदल गया, पहले 3:1 रेशो थी आज 2:1 हो गई, या तो चेंज इन बीएसआर हुआ या एडमिशन हुआ या रिटायरमेंट हुआ, ऐसा कुछ हुआ, बस वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। ठीक है ना, डिफरेंस की बात करूं तो सर इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगे, अकाउंट्स बनाए हमने इसके, सर यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होंगे क्लोज, क्यों होंगे क्लोज? पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस ही तो बदला,
सर का स्टेटस ही तो बदला है, चलते रहेंगे बुक्स तो, ठीक है ना सर? ये वॉलंटरी होगा, जानबूझकर किया गया होगा, नोइंगली पार्टनर ने डिसाइड करके ही चेंज किया होगा। और सर ये वॉलंटरी भी हो सकता है, ये कंपलसरी भी हो सकता है। हो सकता है हमारी मर्जी हो सकता है कोर्ट की मर्जी हो। कोर्ट ने देखा फर्म का बिजनेस क्या इलीगल काम कर रही है पार्टनरशिप, कोर्ट ने कहा उठा के बंद कर दो ये इसका बिजनेस, सारा तामझाम बेचो, सबकी लायबिलिटी पूरी करो। सर ये क्या है, ये तो कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, ये वॉलंटरी थोड़ी है। तो इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन हो सकता है, इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं, यहाँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप पार्टनर के बीच की सब खत्म। और यहाँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप सर खत्म थोड़ी हुई है, चेंज हो गई है थोड़ी सी बस, ठीक है, मोटे मोटे डिफरेंस की बात ही है, ठीक है, बाकी पढ़ लेंगे, ठीक है जी, पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम आए पूछ लेना, ठीक है ना। वैसे मैंने मोटी मोटी भी सारी बात कर दी है जितनी जरूरी थी आपके लिए, बढ़ाएं बात को आगे बाबू। नेक्स्ट टॉपिक देखो, जब ये टॉपिक हो जाएगा ना, इसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाले हैं, ठीक है ना। मैंने लिख तो दिए हैं, लगभग लगभग सबकी बात ऊपर हो चुकी होगी, ठीक है, हल्के हल्के चेंज करके लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो पहले ये टॉपिक बाद में करते हैं, पहले इन्हीं की चर्चा करते हैं, 10-12 क्वेश्चन है, फटाफट से निपटाओ। रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या ऑथोराइज कैपिटल का ही दूसरा नाम है, कल भी मैंने इसकी चर्चा करी थी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक इज नोन एज ऑथोराइज शेयर कैपिटल या नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। ये MOA में कैपिटल क्लॉज में लिखा होता था, अगर कुछ याद हो तो, ठीक है जी। चलो पहले क्वेश्चन की बात करो बेटा, कहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। पेपर में अनुमान क्वेश्चन आ सकता है भाई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अभी पढ़ा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अभी पढ़ा। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, चेंज इन द एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड में चेंज किया हमने थोड़ा सा, ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। और डिसोल्यूशन क्या है, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, ठीक है ना बाबू। कहता है हाउ डज नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म, क्या फर्म की गुडविल को कभी नेचर ऑफ बिजनेस इंपैक्ट डालता है। मेरी फर्म की गुडविल पे नेचर ऑफ बिजनेस इंपैक्ट डाल सकता है, डाल सकता है। मान लो बेटा मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि मेरे बिजनेस में मेरी मोनोपोली है, पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है दूर दूर तक। अगर मोनोपोली है तो अनलिमिटेड पैसे कमाऊंगा, और अनलिमिटेड पैसे कमाऊंगा तो वैसे मेरी गुडविल भाग रही है, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ बिजनेस इंपैक्ट डालेगा तो मेरी वैल्यूएशन, मेरी जो रेप्यूटेशन है कहीं ना कहीं बेटा प्रॉफिट पे बहुत एक्सटेंड तक डिपेंड करती है, नहीं करती क्या? तुमने गुडविल निकाली है, बिना प्रॉफिट के निकलती है क्या गुडविल? जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा ही तो होगी गुडविल, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ठीक है ना जी बाबू। हाउ डस एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट द गुडविल ऑफ अ फर्म, सर अगर मेरा मैनेजमेंट एफिशिएंट है, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तगड़े हैं कि जो कस्टमर मांगेगा वही दे देंगे उसको, कस्टमर का हमने मार्केट सर्वे करा, कस्टमर ने जिस चीज़ की डिमांड करी हम वही दे देंगे, सर एक बात बताओ मेरी गुडविल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और मेरा बिजनेस का मैनेजमेंट ही बहुत कबाड़ा है, कस्टमर नई नई चीज़ों की डिमांड करता है, हम कुछ भी नहीं दे पाते, सर कभी गुडविल इंप्रूव नहीं करेगी, ठीक है। चलो कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये मैंने चर्चा की हुई है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लोगे, जब रिजर्व एंड सरप्लस बताए थे, 8 तरीके के रिजर्व बताए थे, तो कैपिटल रिजर्व की चर्चा की हुई है। हाँ बेसिक बात यह है, कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट किए जाते हैं। मैंने एक लैंड 5 लाख की खरीदी थी, करोड़ की बेच थी, कैपिटल प्रॉफिट अराइज करा 95 लाख का, यहाँ से बनेगा कैपिटल रिजर्व, मोटी बात यह है, ठीक है जी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग पेपर में अनलिमिटेड टाइम रिपीट है, अनलिमिटेड टाइम 1 मार्क क्वेश्चन में, ठीक है जी, आपके लिए नहीं है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा नहीं, 3 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बड़े ही आसान ऑब्जेक्टिव हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबने बनाई है, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एसर्टेन करने के लिए कि पैसा कहाँ कहाँ से आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये एसर्टेन करने के लिए कि पैसा कहाँ कहाँ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में, इससे आसान तो कोई बात ही नहीं हो सकती, ठीक है जी। मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, बच्चों वाली बात, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर, ये तो बच्चों वाली बात, ये 12th क्वेश्चन मेरे को समझ।
अच्छा एक बात बताओ, एक पार्टनरशिप फर्म एक पर्सन को पार्टनर बनाना चाहती है, माइनर के अलावा कौन सी ऐसी दो कैटेगरी हैं जिस पर्सन को वो पार्टनर ना बना पाए? कोई दो कैटेगरी और भी हैं? चलो माइनर को तो कोई नहीं बनाना चाहता क्योंकि माइनर इज एडमिटेड ओनली फॉर द प्रॉफिट्स नेवर फॉर द लॉसेस। सर दो और कैटेगरी हैं, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक इंसान मेंटली इल है, ठीक है ना जी, उसको पार्टनर कभी नहीं बनाना चाहेगा कोई। दूसरा बेटा पर्सन विथ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, ठीक है लिखा जा सकता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है चलो आ जाओ। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, उम्मीद करना, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ डिफरेंसेस, एक लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, और ये आखिरी बार टाइप्स ऑफ डिवेंचर। 11th क्लास थे तो याद होगा, मैंने 11th क्लास में चर्चा की हुई है, फटाफट से चर्चा करूंगा। टाइप्स ऑफ डिवेंचर बेटा 8 तरीके के हो सकते हैं, मैंने कंपैरिजन फॉर्म में 4 बनाए हैं, सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड, कुछ याद आया होगा बेटा। नॉर्मली डिवेंचर सिक्योर्ड ही होते हैं, अनसिक्योर्ड इज एक्सेप्शनल। अब वो सिक्योर्ड क्यों होते हैं डिवेंचर? जब भी बेटा कंपनी डिवेंचर इशू करती है हमेशा बेटा एसेट गिरवी रखती है डिवेंचर होल्डर के फेवर में। नॉर्मली डिवेंचर आर ऑलवेज सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड तो एक जबरदस्ती का एक्सेप्शन है। डिवेंचर कभी वैसे अनसिक्योर्ड नहीं होते जनरल सेंस में, अनसिक्योर्ड मतलब कंपनी ने कुछ गिरवी नहीं रखा और डिवेंचर इशू हो गए, ठीक है। रजिस्टर्ड वर्सेस बियरर, नॉर्मली डिवेंचर क्या होते हैं? रजिस्टर्ड ही होते हैं, बियरर इज एक्सेप्शन। रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होते हैं बेटा? जिन पे डिवेंचर होल्डर का नाम लिखा होता है, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। मान लो भाई मेरी कंपनी है, मैंने डिवेंचर इशू करा साहिल के फेवर में, अब साहिल देना चाहता है सात्विक को डिवेंचर, बेचना चाहता है, तो भाई ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है कि मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया और ये सात्विक के हो गए। किसका नाम लिखा है? साहिल का लिखा है ना डिवेंचर में नाम, तो उसी के रहेंगे जब तक नाम नहीं हटेगा, और नाम हटा कौन सकता है? कंपनी। साहिल अपने डिवेंचर कंपनी को वापसी सरेंडर करेगा कि ये डॉक्यूमेंट सात्विक के नाम पर बना कर दे दो। मैं सात्विक के नाम पर बना कर दूंगा तब जाकर बेटा ये डिवेंचर ट्रांसफर हुए। और बियरर डिवेंचर क्या होते हैं बेटा? ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। नाम किसका लिखा है मतलब नहीं, द वन हु इज द बियरर इज द ओनर, यानी कि जिसके पास है वो मालिक है। मैंने साहिल को दिए डिवेंचर, इसने सात्विक को बेचे और डिवेंचर का सिर्फ सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर दिया। सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने से ही डिवेंचर ट्रांसफर हो गए। नाम किसी का लिखा रहे, जिसके पास है वो मालिक है, ये बियरर डिवेंचर है, ठीक है। नॉर्मली कैसे होते हैं डिवेंचर? सिक्योर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, ये तो एक्सेप्शन है, ठीक है जी। रिडीमेबल और इररिडीमेबल, इंडिया में इररिडीमेबल डिवेंचर इशू करना इस क्राइम आज की तारीख में, और बहुत पहले से, ठीक है ना बाबू। डिवेंचर रिडीमेबल ही होते हैं, रिडीमेबल मतलब जिनकी रीपेमेंट करना कंपलसरी है। मैक्सिमम 20 साल का टेन्योर है, मैक्सिमम 20 साल के लिए डिवेंचर इशू कर सकते हो, 20 साल के बाद तो पैसे देने ही पड़ते हैं। इररिडीमेबल डिवेंचर ये हवा वाई बात है, इंडिया में अलाउड नहीं है ऐसा डिवेंचर जिसकी रीपेमेंट कभी होगी नहीं, बस ब्याज ही मिलता रहेगा, ये हवा वाई बात है, ठीक है जी। तो डिवेंचर कैसे होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, और जनरली नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। ये 4 फीचर होते हैं डिवेंचर में, ऐसे ही है। सर कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल क्या होता है? बेटा नॉन कन्वर्टेबल मतलब किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है ना जी। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी मैच्योरिटी पीरियड है, उसके बाद कंपनी पैसे वापस करेगी डिवेंचर होल्डर को, अपने डिवेंचर लेगी फाड़ कर बेचती, किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होते हैं बेटा? कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, इनके पास कन्वर्जन का ऑप्शन होता है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी चाहे तो आप कैश एक्सेप्ट कर लो, चाहे आप शेयर एक्सेप्ट कर लो एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब आप डिवेंचर होल्डर हो, आपने 20 लाख के डिवेंचर लिए थे मुझसे, 20 लाख दिए, मैंने आपको डिवेंचर दे दिए, आज ही हमने एक चीज डिसाइड कर ली कि ये जो डिवेंचर है ना ये कन्वर्टेबल डिवेंचर है,
एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी चाहे तो 20 लाख रुपए ले जाना, चाहे मेरी कंपनी के शेयर ले जाना, प्राइस आज ही फिक्स कर लेते हैं, 20 साल के बाद जो मर्जी प्राइस हो उसी प्राइस पे दूंगा जो प्राइस आज तय करें। तो आपके पास दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, कन्वर्ट करा लो चाहे शेयर में चाहे कैश। लेकिन एक बात ध्यान रखना, समझदार हो तो समझ जाओगे एक ही बारी में, ब्याज किस पे ज्यादा होता होगा, कन्वर्टेबल पे नॉन कन्वर्टेबल पे। मैंने सोचा समझदार हो तुम, ऑब्वियस सी बात है नॉन कन्वर्टेबल पे भाई एक तो दो दो ऑप्शन दूंगा और ब्याज भी ज्यादा दूंगा आपको। अगर नॉन कन्वर्टेबल की ब्याज 12-13% है ना, तो कन्वर्टेबल की 10 से ज्यादा नहीं होगी। दो ऑप्शन पहले दे दिए, ब्याज कम दूंगा, ठीक है जी। चलो जी, मुझे तो लगता है यही आना चाहिए 100% तुक्का, बाकी आ तो कुछ भी सकता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।